नमस्कार, मी दिनेश कुलकर्णी आणि आपण पाहत आहात युवा क्रांती न्यूज। युवा क्रांती न्यूजच्या माध्यमातून आपण मुंबई शहरामधले जे उत्तर भारतीय आहेत त्यांना महाराष्ट्रातल्या राजकारणाविषयी काय वाटतं, एक साधारण टॅक्सी चालकाच्या ज्या प्रतिक्रिया असतात त्या आपण घेत आहोत। आपल्यासोबत एक टॅक्सी चालक आहेत, त्यांना विचारूया। काका, काय नाव आहे आपलं? बतायत होता ताहिर। ताहिल, ताहिद, ताहिद। अच्छा ताहिद जी, आप हर रोज टैक्सी चलाते हो, दिन रात टैक्सी चलाते हो? अरे दिन रात थोड़ी कोई चलाएगा, अरे दिन निकालेगा, शाम को खड़ी करके और 24 घंटे चलाते हो। मेहनत करते हो ना? तो वो तो मेहनत करना अपना काम है। अच्छा, क्या राय है ये राजनीति की जो चल रही है अभी महाराष्ट्र में? सीएम साहब जो सेने में थे वहाँ से बाहर निकले, अब खुद अपना एक पक्ष, उनको आज ही ढाल तलवार नाम का एक सिम्बॉल मिला है। कौन जीत सकता है ये जो आने वाली मुंबई महानगर पालिका की जो निवडणूक है, आपको क्या लगता है? अभी मैं किसको बता दूं, अभी जिसका सरकार रहेगा वो जैसा, जिसकी बहुमत ज़्यादा रहेगी उसकी सरकार बनेगी। अच्छा, नहीं आप बॉम्बे शहर में, मुंबई शहर में टैक्सी चलाते हो, डेवलपमेंट क्या होती है आपके नज़रों के सामने, कभी आती है क्या एक विकास हो रहा है बॉम्बे शहर का? अरे क्या मैं बताऊँ, विकास होता है कि नहीं होता, अभी इसमें क्या विकास होएगा, सरकार रोज बदली होएगी तो उसमें विकास थोड़ी होने वाला है। अच्छा, तो आपका कहना ये कि स्थिर सरकार चाहिए महाराष्ट्र को विकास की? कोई भी सरकार होने दो, अपने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्यों नहीं पड़ता है सर, आज महंगाई देखो। महंगाई तो कोई भी आता है, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, घटती है क्या? तो वही आपका महंगाई को, महंगाई तो कमी नहीं हो रही है। क्या करना चाहिए सरकार ने? अब सरकार की जो मर्जी में आएगा वही करेगा, हमारे तुम्हारे कहने थोड़ी होने वाला है। ये जो डिफरेंट है ना, ये फर्क है ना, ये सामान्य आदमी को पड़ता है, ये कोई पैसे वाले आदमी को नहीं पड़ता है, लेकिन जो महंगाई के ऊपर फर्क पड़ता है, आम पब्लिक को फर्क पड़ता है ना। हाँ, पैसे वालों क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, आपके राष्ट्र में, आपके राज्य में जो सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, वहाँ पे कैसा है महंगाई के बारे में, क्या है आपका कहना? वहाँ हूँ ना, मैं क्या बताऊँ। अच्छा, आप यहाँ ही कब से रहते हो बॉम्बे में आप? अरे मैं तो 87 से गाड़ी चलाता हूँ। 87 से गाड़ी चलाते हो? फिर तो बहुत एक्सपीरियंस होगा आपको, अनुभव होगा, हर तरीके के पैसेंजर आपके टैक्सी में बैठते होंगे, चर्चा करते होंगे, राजनीति पे चर्चा करते होंगे। वाला कोई आज पहली बार तो आप कर रहे हो। अच्छा, मैं पहला हूँ जो आपके साथ राजनीति पे चर्चा कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप ये अपडेट जो है राजनीति के, आपके कानों पे कभी खबर आती है टीवी के माध्यम से कि आज महाराष्ट्र में ऐसा एक अपडेट हुआ? घड़ा देख नहीं पाता, सो जाता हूँ, मेरी नींद आ जाती है। अच्छा, आप पिक्चर भी नहीं देख पाता हूँ? अच्छा, आपको दिन रात टैक्सी ही चलानी? टैक्सी चलाने के बाद नहीं, गाड़ी चलाते चलाते मेरी नींद आ जाती है। गाड़ी चलाते? हाँ, सही बात बोलता हूँ, मैं सोने में एक नंबर हूँ। अरे सोने में? अरे मैं इतने पानी में खड़े खड़े मछली मार रहा था, सो गया। अच्छा, मेरे सोने की तो बात ही छोड़ो। आपके दिल में राजनीति कोई मायने रखती है या नहीं, एक भारतवासी है आप? भाई साहब, अभी मैं क्या बोलूँ उसमें, राजनीति तो सब अपने अपने दिमाग से करते हैं। राजनीति करते हैं, लेकिन हम जो अधिकार बजाते हैं अपना ओपिनियन का, मतदान का, डोनेट करते हैं मत, जो एक अच्छा कर्तव्यगार नेता हो, समझ के सब करता है भाई, इसको जीत जावे। अच्छा, लेकिन अब कोई दूसरा चीज ज्यादा क्या करोगे? अच्छा, जो बॉम्बे में फिलहाल चल रहा है, मुंबई में चल रहा है, जो राजनीतिक जो वाद विवाद चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उस पर आपका कुछ कहना है क्या? मैं क्या कहूँगा, नहीं, शिवसेना से शिंदे साहब की सेना वो बाजू हो गई है, उस पर आप कुछ? तो वो भी कोई राजनीति से हो गई है, ऐसा थोड़ी हो गई है। अच्छा, फिर नहीं, मुझे एक बात पूछनी है, आप तो 87 तो सबको थोड़ी मालूम है, मैं क्या बताऊंगा? नहीं, आप 87 से गाड़ी चलाते गाड़ी हो तो आप श्रीमान बाड़ा साहेब ठाकरे जी को तो जानते ही होंगे। हाँ, उनकी सेना कैसी थी, और अभी जो उनके बेटे जो है वो शिवसेना चला रहे हैं, और सबकी बात और है। क्या बोले? उनकी बात अलग थी, श्रीमान बाड़ा साहेब ठाकरे जी की बात अलग थी और ये बात अलग है। क्या क्या फर्क गिर गया है इसमें, क्या क्या कम पड़ रहा है जो ये सेना में नहीं है, आपको क्या लगता है? अरे भाई, मैं उसमें क्या बताऊँ, अभी जो गाड़ी में चलाता तो ये थोड़ी सोचता मेरा लड़का भी गाड़ी चलाएगा। नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि वो टाइम की बात अलग थी, ये टाइम की बात अलग है, उनका दबदबा और था। अच्छा, और उनका दबदबा और है, वही तो क्या कम है उद्धव जी में, क्या कमी है? अरे वो तो पब्लिक के ऊपर है ना भाई, उनको ज्यादा मानती थी आदमी। अच्छा, तो पब्लिक उद्धव जी को कम मानती है और श्रीमान बाड़ा साहेब जी को ज्यादा मानती थी। अच्छा, आपका यही कहना है कि महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, उस पर थोड़ा सरकार ने ध्यान देना चाहिए?
सरकार क्या ध्यान देगी, सरकार नहीं ध्यान देगी, खाली ध्यान कब तक देगी, जब तक इलेक्शन नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद फिर वो अपनी अपने स्प्रे कर लेगी। अच्छा, वही देखते आ रहा हूँ, वही देखते आ रहे। अरे जब इलेक्शन होना रहेगा तब थोड़ा भाव गिरा देंगे, थोड़ा पब्लिक की सुनवाई करेंगे। इलेक्शन खत्म हुआ, तुम कहाँ गए उससे नहीं मतलब। अच्छा, या ठिकाणी मुंबई मध्ये काही लोक असे पण आहेत की त्यांना राजकारणाशी काही घेणं देणं नाहीये, त्यांना आपलं कुटुंब रोज आपला उदरनिर्वाह करणं या गोष्टीत त्यांना जास्त रस आहे, त्यामुळे अशा काही काही गोष्टी या आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। दिनेश कुलकर्णी, युवा क्रांती न्यूज, मुंबई। युवा क्रांती न्यूज लाईव्ह, लढा युवकांच्या तरुण विचारांचा।